वेक अप कॉल फॉर नॉन इंजीनियर्स, लेट्स बिगिन। मैच वीक है, हाँ भैया मैच वीक है, मैच वीक है भैया, आदत में स्कोरिंग, हाँ भाई जिस टाइपिंग जिसका मैच वीक है। नॉन इंजीनियर दो तरह के होते हैं, जिसका मैच वीक है, जिसका मैच स्ट्रॉन्ग है। पहली गलती ये नहीं करनी, वेकअप कॉल है सिर्फ मैच ही पढ़ते रहना अगले 3 महीने। मैच रोज पढ़ना जरूरी है, सिलेबस ज्यादा होता है, बट याद रखिएगा अगर आपका मैच वीक है लुट मत जाना, यहाँ पे वर्बल एबिलिटी को स्ट्रॉन्ग करो। क्यों, मैं आपको अंकिता मैम का एग्जांपल देता हूँ, हमारे साथ कैटकिंग के अंदर काफी हेल्प किया अंकिता मैम ने, आई एम अहमदाबाद की है, उसका वर्बल एबिलिटी का स्कोर वॉज 99.99, क्वांट का स्कोर वॉज 98, ओवरऑल टचिंग 99.22 एंड आई एम अहमदाबाद, और उस बंदी का क्वांट ठीक था, DLR भी ठीक ठाक था। तो ये बंदी वर्बल एबिलिटी के चलते अंदर गई। और जो लोग आई एम ABC FMS की तैयारी कर रहे हो, मैं बार बार बोल रहा हूँ FMS के सपने ऐसे मत लो, अगर वर्बल ठुका हुआ है वर्बल को इम्प्रूव करो। मेरे साथ मेरे पास नियरली 150+ स्टूडेंट्स बैठे हैं IIT NIT के, सर मैथ्स तो कर लेंगे बस वर्बल का बेड़ा पड़ा है, इसलिए हमने वर्बल एबिलिटी का बैच भी लॉन्च किया हुआ है, जिनको करना है तो टीम से एक बार बात कर लीजिए। DLR नॉन इंजीनियर्स, मेरे कोई 2 सेंस रहेंगे, DLR में से LR की तैयारी करिए। LR नॉन इंजीनियर्स, LR लॉजिकल रीजनिंग, इसके अंदर मैथ्स वैथ्स का पार्ट कम है, तो भाई यहाँ से उठाओ। अगर आपका मैथ्स वीक है पढ़ो, अर्थमेटिक पे ध्यान दो, वर्बल एबिलिटी पूरा करो, RC पैराजम्बल सब कुछ पढ़ो, AONSS पढ़ो। मैं कई बार बता चुका आपको AONSS 200 AONSS का टारगेट दिया, कोई कैटकिंग वाला है जिस टाइप इन सीखे जो लोग कैटकिंग वाले हैं इनको मैं टारगेट दिया हुआ है 200 AONSS पढ़ने। एंड आई नो सम स्टूडेंट्स, इस बार का जो मॉक का टॉपर है, सेकंड टॉपर, उसका वीडियो रिकॉर्ड किया मैंने, रियल कैट मॉक का जो सेकंड टॉपर है, उस बंदे का ही टोल्ड मी, सर मैं एक ही काम कर रहा था वर्बल में, मैंने कैटकिंग ज्वाइन किया था समय अराउंड मार्च अप्रैल, और मैं AONSS पढ़ रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ और क्लास अटेंड कर रहा हूँ। एंड दिस गाइस ओवरऑल ऑल इंडिया रैंक 2 एंड नियरली 17,000+ स्टूडेंट्स गिव रियल कैट मॉक्स। ठीक है, कमिंग बैक, मैथ्स क्वांट के अंदर अर्थमेटिक पकड़ लीजिए, इसके अंदर से बेभरभर के क्वेश्चन आते हैं, 10 सवाल आते हैं। वर्बल में RC भी आता है, पैराजम्बल आता है, पैरासमरी आता है, ये नॉन इंजीनियर स्पेशल हो रहा है। RC के लिए बेटा 16 सवाल आते हैं, विच इज ये आपको पता ही होगा अभी तक, वर्बल में आने वाले हैं 24 सवाल, DLR के 20 सवाल, और क्वांट के आने वाले हैं 22 में 10 अर्थमेटिक के, वर्बल में से RC प्लस पैराजम्बल, पैराजम्बल पर ज्यादा ध्यान देते हैं, हाँ ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके, आई एम रैंक 9, क्या बात है, क्या गुड सीइंग यू मैन। आगे 16 RC के, DLR में DLR में से LR पकड़ ले, तो ये दोनों में से एक पार्ट पकड़ ले नॉन इंजीनियर, हाँ जिन लोगों को कैट पकड़ दें, अर्थमेटिक पकड़, रीडिंग कॉम्प्रिशन पकड़, DI पकड़, ये टोटल 36 सवाल हो जाते हैं। 36 सवाल में मास्टरी कर ले, अगले 40 दिन अपने को कमरे में लॉक कर और सिर्फ यही पढ़, एकदम टेक टू द मून, इतना पढ़ के सर अगर RC आ जाएंगे चार में से 3 RC बना पाऊंगा, मैंने AON पढ़ लिया, बस टॉपिक दिखाओ मेरे को। ठीक है, नेक्स्ट वन, डेटा इंटरप्रिटेशन कर सकता है ये भी, अच्छा यहाँ DI कर लो, LR कर लो, अगर मैथ्स के अंदर नंबर सही है तो ये पकड़ ली 36 सवाल, 36 सवाल आउट ऑफ 66 क्वेश्चन जो लिए मैं, ओके फिर DI में 10 एंड LR 10 एंड 28 क्वेश्चन आने वाले हैं, या ये पकड़ ले या ये पकड़ ले, पैराजम्बल पैरासमरी आउट ऑफ कंटेक्स किसी ने चीज बताई नहीं होगी आपको, आप यही पढ़ते रहते हो, 8 क्वेश्चन पकड़ो यहाँ पे, 10 क्वेश्चन पकड़ो LR के, ये टोटल हो जाते हैं 28, और अर्थमेटिक तो करना ही करना है। अगले 40 दिन में सिर्फ ये पढ़, अपने आप को जज नहीं करना है, साथ में बैठ के थोड़े मॉक दे और प्रिपरेशन ऐसे चालू कर, यहाँ से 28 क्वेश्चन, 28 ही करे, 28 में समय अराउंड 25-26 ठीक हो गए, यू विल बी अराउंड 94-95% कैट। वॉट, यस नॉन इंजीनियर, यहाँ ये पढ़ या ये पढ़, सिर्फ यहाँ पे प्रिपरेशन छोड़नी नहीं है। हाँ, इट्स गॉट मी सो गुड बॉयज एंड गर्ल्स, थैंक यू सो मच जॉइनिंग इन, होप यू गाइस आर डूइंग ऑसम, चैनल को सब्सक्राइब करिए।